खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीडीएम इत्तेहाद बिखरने की शुरुआत हो चुकी है, अमली तौर पर यह इत्तेहाद खत्म हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान करना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने जलसे में सवाद के हवाले से खदशात जाहिर किए। सिंध के बारे में बिलावल भुट्टो ठीक कह रहे हैं, ताहम बजट में सिंध की एलोकेशन के बारे में तबसरा क्यों नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के वज़रा इलेक्शन में ठप्पे लगने का एतराज़ उठा रहे हैं, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसला करती पीडीएम के इत्तेहाद को बरकरार रखना नहीं। इनका कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ धांधली की तो फिर मेयर कराची के इलेक्शन में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 13 वोट क्यों दिए, मेयर कराची के इलेक्शन में अपने अपना एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरे क्लिप्स और इंटरव्यूज मौजूद हैं, मैंने कहा था पीडीएम का इत्तेहाद बखर रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी तो बजट पर वोटिंग होना बाकी है, हम हर हलके में उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं, हर किसी को अपने उम्मीदवार तलाश करने का हक है। याद रहे कि इससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा, तो बेगुनाहों को छोड़ दें।